हेलो स्टूडेंट वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास मैं हूं सीमा साध और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास सेवन की सोशल साइंस का चैप्टर सिक्स जिसका नाम है केंद्र की सरकार तो आज इस पार्ट में हम जानेंगे कि कानून कैसे बनाया जाता है तो आइए हम शुरुआत करते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया से संसद द्वारा संघ सूची और संवरती सूची पर कानून बनाया जाता है किसी विषय पर कानून बनाने से पहले मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं विधेयक दो प्रकार के होते हैं मीन्स संसद को यह अधिकार है कि वह संघ सूची और सम्वर्ती सूची दोनों सूचियों पर कानून बना सकती है पर किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहले मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसे हम विधेयक कहते हैं और विधेयक दो प्रकार के होते हैं पहला है साधारण विधेयक दूसरा है वित्त विधेयक साधारण विधेयक का प्रस्ताव मंत्री परिषद का कोई सदस्य स्वयं किसी भी सदन में वह पेश कर सकता है यानी प्रस्तुत कर सकता है मीन्स संसद के दो सदन होते हैं एक लोकसभा और राज्यसभा तो साधारण जो विधेयक होता है उसका प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद यानी कोई भी मंत्री सद किसी भी सदन में पेश कर सकता है चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में और संसद का कोई भी सदस्य अपनी ओर से किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है मींस राज्यसभा और लोकसभा कहीं पर भी वह कहीं से भी उसकी शुरुआत कर सकता है इसे हम निजी विधेयक कहते हैं और ये विधेयक सदन के अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं लेकिन जो दूसरा नंबर का विधेयक है दूसरा विधेयक है विधेयक वह विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की अनुमति से अब हम जानेंगे कि प्रथम वाचन विधेयक का प्रथम वाचन क्या होता है सभापति की अनुमति से मंत्री परिषद यानी का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य से मतलब कोई मंत्री या फिर कोई भी सांसद सदन में पेश कर सकता है और विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य प्रस्ताव का शीर्षक पढ़ते हैं यानी जिसने सदन में प्रस्ताव पेश किया है वह उसको पेश करने के बाद उसका शीर्षक पढ़ते हैं और इस प्रस्ताव की प्रति वहाँ पर जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उन सभी को दी जाती है ताकि वह भी उसको पढ़कर समझ लें और फिर इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशन किया जाता है और सामान्यतः इस पर बहस नहीं होती है यह विधेयक का प्रथम वाचन होता है मीन्स प्रथम वाचन के समय किसी भी विधेयक पर बहस नहीं होती है सिर्फ उसका शीर्षक पढ़ा जाता है सदन में और वहाँ पर उपस्थित सदस्यों को उसकी कॉपी दी जाती है ताकि वह भी उसके बारे में जान सकें अब आता है विधेयक का द्वितीय चरण यानी द्वितीय वाचन द्वितीय वाचन के समय विधेयक पर विचार विमर्श होता है मीन्स जो विधेयक सदन में पेश किया गया था और जिसका प्रथम वाचन हुआ था अब द्वितीय वाचन में उसके ऊपर विचार विमर्श होता है सरकारी पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा इस विधेयक विधेयक की उपयोगिता के ऊपर बहस होती है कि यह है कितना लाभकारी है और कितना नुकसानदायक है और इसके प्रत्येक बिंदु पर एक एक करके चर्चा होती है और विधेयक में संशोधन की संशोधन यानी कि सुधार के प्रस्ताव भी रखे जाते हैं यानी जो बातें उसमें लिखी हैं और अगर वहाँ पर जो सदस्य उपस्थित हैं उन्हें लगता है कि इसमें कहीं और सुधार की गुंजाइश भी है तो वह अपना प्रस्ताव भी रखते हैं संशोधन पर मतदान विभाजन होता है यानी कि संशोधन के लिए वहाँ जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनके साथ वोटिंग की जाती है और फिर वोटिंग के आधार पर प्रस्ताव में या विधेयक में सुधार किया जाता है संशोधन तैयार सहित संशोधन सहित तैयार विधेयक के पश्चात द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है यानी द्वितीय दु, वाचन में उसके ऊपर जो चर्चा हो चुकी है और सुधार के लिए उसमें जो गुंजाइश है तो फिर अब ये प्रारूप तैयार हो जाता है इस तरह इसका ये द्वितीय वाचन होता है अब आता है तृतीय वाचन यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया में तीसरा चरण द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का जो प्रारूप है वह निश्चित हो जाता है और तृतीय वाचन के समय विधेयक का प्रस्ताव सदन में यह प्रस्ताव रखता है कि उसने जो प्रस्ताव या विधेयक तैयार किया है सदन उसे स्वीकार करे और इस समय इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं किए जाते मीन्स संशोधन करने की गुंजाइश तीसरे चरण में उसमें नहीं होती है सदन विधेयक को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है ये सदन के पास अपनी आजादी होती है कि उसकी मर्जी होती है उसके पास अपना अधिकार होता है कि अगर उसको लगता है तो वह उस प्रस्ताव को या विधेयक को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है अब विधेयक पर मतदान के पश्चात तृतीय वाचन पूर्ण हो जाता है मीन्स तृतीय वाचन में विधेयक पर मतदान हो चुका होता है इसलिए यह पूर्ण माना जाता है यदि विधेयक स्वीकार हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है यानी कि जो सदन के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा तो एक सदन में ही उसके तीनों चरण होते हैं प्रथम वाचन द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन तीनों चरण में अगर विधेयक पास हो जाता है यानी स्वीकार हो जाता है फिर उसे दूसरे सदन में भी भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोबारा होती है विधेयक का प्रथम वाचन द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन वहाँ पर भी यह होता है और यदि विधेयक को दूसरे सदन में भी स्वीकार कर लिया गया है तो फिर उसे बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वह कानून बनता है तो इस कानून का संघ के यानी संघ सरकार के या केंद्र सरकार के राज्य की गजट में प्रकाशन किया जाता है मीन्स तृतीय वाचन पूर्ण होने के बाद और दोनों सदनों में किसी भी विधेयक के स्वीकार करने के बाद या दोनों सदनों से विधेयक के पास हो जाने के बाद अंत में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद वह कानून का रूप ले लेता है तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यह जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों ने यदि किसी विधेयक को पास कर दिया है और तीनों चरणों से गुजरने के बाद पास हो चुका है वह है। और फिर जब राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा जा रहा है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार ही करें नहीं राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है यदि उन्हें लगता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है तो राष्ट्रपति भी उसे दोबारा सदन में वापस भेज सकते हैं कि इसको सुधार करके लाइए फिर वहाँ पर पुनः यही प्रक्रिया होती है और फिर यदि दोबारा भी वहाँ से पास हो जाता है तब राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं इस तरह अंत में यह एक साधारण विधेयक कानून का रूप लेता है मींस कानून बन जाता है तो हम जो बात करते हैं कि संविधान में ये लिखा है यह हमारे देश का कानून ऐसा है तो यह कानून बनाने की एक प्रोसेस है जो कि संसद के द्वारा केंद्र सरकार में बनाया जाता है और यही प्रोसेस राज्य सरकार में यानी कि राज्य की विधानसभा में होती है जब राज्य के लिए कानून बनाया जाता है राज्य में विधानसभा के पास अधिकार होता है कानून बनाने का और केंद्र में संसद के पास अधिकार होता है कानून बनाने का अब हम बात करते हैं संघ सूची की संघ सूची मीन्स केंद्र की सूची तो इस सूची में संतानवे विषय हैं और इन पर पूरे देश में एक जैसा कानून होता है यानी संघ सूची के जो संतानवे विषय हैं और इन संतानवे विषयों पर कानून पूरे देश में एक जैसा होता है और सब जगह लागू होता है इन विषयों पर संसद कानून बनाती है यानी जो संतानवे विषय हैं संघ सूची पर उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है और वही उन पर कानून बनाती है तो स्टूडेंट्स नीचे चार्ट दिया गया है इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि वह विषय कौन कौन से होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र से संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कोई कानून बनना है तो वह संसद के द्वारा बनाया जाएगा यानी संघ सूची के द्वारा संघ सूची का विषय है ही है तो संसद इस पर कानून बनाएगी और जैसे कि सेना बैंक प्राचीन इमारत मुद्रा मुद्रा मीन्स हमारे देश की करेंसी तो मुद्रा से संबंधित भी कानून बनाने का अधिकार संसद का है बीमा समुद्र यातायात इसके अलावा खनिज क्षेत्र जनगणना रेल डाकतार दूरसंचार निर्वाचन मीन्स चुनाव और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते तो स्टूडेंट चूँकि संघ सूची में संतानवे विषय हैं पूरे तो यहाँ पर नहीं हैं लेकिन कुछ मैन मैन विषय यानी कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और इन पर संसद कानून बनाती है जिसे हम संघ सूची कहते हैं इसके बाद आती है राज्य सूची राज्य सूची मतलब राज्य सरकार के पास जो अधिकार होता है कानून बनाने का तो इस सूची में बासठ विषय हैं कितने विषय हैं बासठ यानी राज्य सूची में बासठ विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकारों को अधिकार होता है कानून बनाने का और इन पर कानून राज्य की विधानसभा यानी कि राज्य की व्यवस्थापिका इस पर कानून बनाती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग, अलग सरकारें होती हैं और वहाँ की विधानसभा और सारी प्रोसेस अलग अलग होती है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि पूरे देश की राज्य राज्यों में एक जैसे कानून हो और सब राज्य सरकारों ने मिल एक से ही कानून बनाए हों केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं या संसद ने जो कानून बनाए हैं वह तो पूरे देश के लिए एक से होते हैं और पूरे देश में लागू होते हैं लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वह सिर्फ उनके राज्य के लिए होते हैं और वह कानून सिर्फ उनके राज्य में ही लागू होते हैं तो हम नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन से विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची में सड़कें सड़कें मीन्स राज्य की सड़कों से संबंधित कानून राज्य की सरकार बनाती है न्याय स्थानीय शासन स्थानीय शासन मीन्स नगर पालिका नगर निगम इनसे संबंधित यदि कोई कानून है तो वह राज्य की सरकार बनाएगी स्वास्थ्य यानी चिकित्सा इनके अलावा पुलिस से संबंधित कोई कानून है तो वह राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वह इसके लिए कानून बना सकती है जेल कृषि मनोरंजन पशु चिकित्सा और सिंचाई तो राज्य सूची के कुछ विषय आपको यहाँ बताए गए हैं कि इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है अब आता है या अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि समवर्ती सूची क्या होती है संवर्ती सूची मीन्स ऐसी सूची जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभा यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है यानी कि इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है और इसमें बावन विषय होते हैं जिन पर कानून बनाया जाता है इन विषयों को नीचे बताया गया है तो वन पर्यावरण उद्योग मजदूर औद्योगिक विवाद सिंचाई बिजली मूल नियंत्रण यानी किसी वस्तु का मूल दंड विधि विवाह और विवाह विक्षेद यानी कि शादी और तलाक इसके अलावा अखबार शिक्षा दत्तक एवं उत्तराधिकार दत्तक मीन्स होता है किसी को गोद लेना गोद लेना इसको हम इंग्लिश में अडोप्शन भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है किसी बच्चे को तो हम उसे कहते हैं वह उसका दत्तक पुत्र है या पुत्री है तो इससे दत्तक मीन्स गोद लेना तो इस प्रकार इन बावन विषय बावन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभा दोनों को होता है जिसे हम सम्वरती सूची कहते हैं और यदि दोनों के कानून बनाने में किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है तब ऐसी स्थिति में सिर्फ संसद के पास ये अधिकार होता है कि वह कानून बनाएगी और संसद जो कानून बनाती है उस कानून को सभी को मान्य करना पड़ता है तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग